अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग के साथ में आज ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह 5:30 बजे और हम उठे हैं 5 बजे से। तो अभी जा रहे हैं अयान स्कूल और अयान के साथ मैं भी जा रही हूँ। अयान नाश्ता नहीं कर रहा है तो ज़रा आप लोग भी बोला करो, जब उठता है तो थोड़ा नाश्ता कर लिया करना चाहिए। सब सिर्फ चाय पी रहा है, मैं खा रही वाली रोटी और मेरा वो नॉर्मल वाला पराठा, हैवी वाला नहीं सुबह वाला, और मैं चाय पी रही हूँ। तो आप लोग भी आइए नाश्ता करने के लिए और अभी अयान के स्कूल के लिए कितना टाइम बचा हुआ, आधा घंटा ना, नहीं स्कूल के लिए जाने के लिए अपने निकलने के लिए आधा घंटा बचती है। तो बस आप लोग दुआ करना, अयान का आज स्कूल का लास्ट पेपर है और इंशाल्लाह आज हॉल टिकट मिलेगा। तो आप सबकी दुआ की सख्त ज़रूरत है। बस मेरे बच्चे का आज का स्कूल का लास्ट पेपर है, हो सकता है स्कूल की लाश अलविदा है ना, है करके स्कूल की लाश अलविदा रहेगी ना ना, और हॉल टिकट मिलेगा तो मेरा बच्चा बस अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और आप सबकी सख्ती से दुआ की ज़रूरत है, और बोलते नहीं सब लोग दुआ करना मेरे बच्चे के लिए। बस मैं इतना ही बोलूँगी सुबह के टाइम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और मैं जा रही हूँ अयान के साथ, अयान का पेपर रहेगा तो मैं 7 बजे आऊँगी, 10 बजे तक। चलो फिर मिलती हूँ आप लोग से। अयान कुछ बोलना बेटा तुम्हें, बोले नहीं नहीं सलाम दुआ के करो, सलाम और बोलो दुआ पर, आवाज़ के साथ बोलो दुआ। इसको बहुत शर्म आती है, जरा उसको इतना शर्माने का नहीं वीडियो के सामने, है ना। ऐसा मस्ती बहुत करता है, ऐसा नहीं कि शर्माता है ऐसा, मतलब वीडियो कैमरे के सामने शर्म आती है, शर्मिंदा। चलो फिर अच्छे लग रहे हैं पानी सोडा पकड़ लिया ना, अच्छे से सब कुछ भी लगाने के बाहर का ये बात चल रहा है। अम्मी छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए वो फाइनली मतलब में आ चुके हैं। कब से हां दूर ही है तो और भी अपना पूरी वाचमैन से मुझे 100 रुपये का अंडा भिजाना, इससे मेरे को नाश्ते में लगते ना वो बड़े लेंगे। और कुछ बोलेंगे मैं सब सुबह में बहुत अच्छा लगता है, अक्सर मैं बोलूँगी कि मैं सुबह जाती हूँ तो इतना लोगों का सुबह का बड़ा तरीका जाते ना, तो ये चीज़ आदमी नहीं ले सक पाता है जो अच्छी चीज़ देती है। सुबह का नज़ारा तो देख सकते हो, हमारे माशा झाड़ू की चीज़ भी कितनी अच्छी लगी है, पूरा गार्डन लगा दें घर का और बटन गाड़ी साफ कर दें और गाड़ी पोछने वाला गाड़ी पोछ रहा है। अरे भाई इतनी घाई करके गाड़ी मत पोछ, गाड़ी आ जाएगी नो। चल रहे हैं मुरादी नगर पहुँचे हैं, आरे से हमारे फौज भी क्रॉस कर दिए है, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ आ रहे सब भी जा रहे, मतलब किसकी मामा छोड़ने जा रही, कोई अकेला जा रहा है ना। सुबह की स्कूल भारी पड़ती है मगर एक बार बाहर निकल जाओ तो अच्छा लगता है ना आयन, घर में रहो तो कंटाल जैसा लगता है ना स्कूल के लिए, मतलब जैसा। तो ये देख सकते हो इधर बड़ा ना बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू है अभी, ये इधर बहुत बड़ा चालू है करके। देखो सब बच्चे जा रहे स्कूल, सुबह का माहौल कैसा लगता है। आपकी मरियम शेख बैठी है, सुबह सुबह मेरे भी कपड़े वपड़े सब चेंज हो चुके हैं, एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ मॉर्निंग में ही, है ना। तो क्या बोलते हैं फिर, कहाँ जाना चाहिए स्कूल के बाद, कहाँ जाना चाहिए है? देखो सीधी माँ का सीधा बच्चा बोला घर पे जाके सो जाना चाहिए बाद में, है ना।
गर्मी कितनी चहल पे रहती है टाइम पे, ऐसा लगता है कि पूछो मत, जंक्शन रहता पूरा सब स्कूल के लिए खड़े, और दूध की गाड़ी आती है, ये चांचली का जो रास्ता जाता है ना उधर, उधर से खाने का खुला रहता है कैंटीन वैंटीन, और अयान की देखो गाड़ी में पढ़ाई चालू है ना। तो चलो आप लोग से इधर जाके मिलते हैं, पवई लेकर आएगा तो आपको बताते हैं। ओके फाइनली हम लोग जा रहे थे आईआईटी से, तो अयान बोला चलो मम्मी थोड़ा टाइम बाकी है स्कूल का, तो अपन पवई लेक के पास उतरते हैं। तो हम लोग पवई लेक के पास उतरे, और पवई लेक देखो कितना प्यारा और कितना शांत लग रहा है, और इसके अंदर पानी कम लग रहा है, घास ज़्यादा लग रही है ना, क्या बोलते हैं कौन सा वाला आता है घास, वो चिक्को। अब उधर गए थे ना, हाँ बोट में, जो बोट खड़ी है ना, नहीं इधर खड़ी है बोट, या इधर इधर ये बीच वाली, हाँ, इसमें गए थे पार्टी करने, गए थे हुक्का पार्टी, तो हम लोग इसके अंदर गए थे बीच में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है ये जो बोटों के अंदर जाएंगे ना पूरा ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे फ्लाइट के जैसा बना हुआ है, तो माशाल्लाह हमको बहुत अच्छा लगा था, और हुक्का पार्टी भी हमारी बहुत ज़बरदस्त हुई थी ना। और इधर देख सकते हो बहुत बड़ा लेक है, दिखता है छोटा है मगर ये भांडुप तक टच है, पूरा भांडुप तक एकदम टच है, और गणपति जब भी होती है तो पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी गणपति दिखती है, बहुत जगह जगह से होता है, और एक दुर्गा माँ का भी त्यौहार आता है जब भी, मतलब दो तीन त्यौहार में तो इधर बहुत क्राउड होता है, और जब कुंडे की न्याज भी होती है तो बहुत कुंडे इधर ला कर डुबाते हैं, और बारिश में तो मतलब बहुत भर जाता है, बहुत क्लीन हो जाता है ये, अभी बारिश नहीं है बहुत गंदा मतलब ये सब भर गया है इसके अंदर, तो मच्छी लेके जा रही है क्या। पायान के स्कूल में बैठे हैं सब बच्चे, स्कूल में हैं, मैं लॉबी में हूँ, ये अयान के स्कूल की लॉबी है, बहुत प्यारी है देख सकते हैं आप लोग, और साफ़ सुथरी कितनी है एकदम क्लीन, और एक नंबर स्कूल है, बहुत बड़ी लॉबी है, तो मैं सब बैठ के खाली दिखा रहे आपको, पूरा मेडल यहाँ पर स्कूल का सब चालू होता है पूरा दिन। मैं बैठी हूँ, मैं पूरी रेसिपी देख के बैठी हूँ स्वीट की, सॉरी मुझे रेसिपी देखता बहुत पसंद है, तो वो रेसिपी देख रही हूँ। चलो फिर मिलते हैं आपको, फिर बाद में थोड़े टाइम से है। वो फाइनली आयन का पेपर खलास हो चुका है, हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं, तो बज रहे हैं 9:45, तो अब जा रहे घर है ना आयन, इधर आ जाए बाबू सामने, थका के और मेरी आंखों में आप लोग नींद देख सकते हो कितनी रहेगी, 5 बजे से उठी हूँ, क्या करेगी बताओ, बच्चों के लिए जागना पड़ता है ना, इसलिए कुलसुम लोग दिन बोले ना मंगनी में चल रहे थे, इसलिए मैंने गई क्योंकि आज इसका पेपर था और सुबह सुबह मुझे जाना था साथ में करके, तो इसलिए मैं बोली कि बहन में नहीं आ रही करके, और फिर कल काजल मौसी का बर्थडे, काजल मासी का भी बर्थडे था, तो इसीलिए नहीं गई, अब इसका पढ़ाई भी इतना देखना जरूरी है, लास्ट साल रह गए है ना। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार से पानी कितना ज़्यादा, फिर चश्मा सुबह से लगा के रखी, सब घर पहुँचेंगे ऐसे, अभी हीरा नानी के रास्ते से जा रहे हैं, सीधा लिंक रोड पकड़ेंगे है ना, घर जैसा घर जाके आप लोग से बात करूंगी, और बात तो बहुत कम करूंगी क्योंकि मैं जाके थोड़ा सोऊंगी अभी, नहीं तो मेरी एसिडिटी से ऐसी हाइपर हो जाएगी ना कि पूरा दिन ही मेरा बस बस हो जाएगा। मेरे को नहीं, तू नहीं सोएगा, तेरी जहर की नमाज है, यासीन है, नमाज नमाज तो अभी 9 बजे थोड़ी ना, नमाज नहीं 9 नहीं 10 मतलब नमाज के टाइम उठ जाएगा क्या मेरे को, मैं सो गए तो तू ये नहीं करना, अपने टाइम पर उठ के नहा लेना, तेरे को नहाने का है, तो फिर इतने में हम लोग को आए तो पवई भी जाने का है, सब सामान लेके, अब बस खाना देके फटाफट आना क्योंकि आज बहुत काम है अपना, कुछ सामान वामान लेके पवई पहुंचने का है, जल्दी जल्दी करके फिल्टर से लूँ, तो हाँ जल्दी जल्दी आओ अब्बास भाई करके, और आलम भाई टेलर भी आने वाले दोपहर में करके, रात में आलम भाई आ रहे थे तो मैंने बोली 2-3 स्ट्रक मुझे इससे रमजान से पहले सिल के दे दो, अकेले है
तो दिन भी आलम भाई के फोन किया, आलम भाई बाहर गए थे, रात में मुझे कॉल किए थे आलम भाई ने, तो मगर मैंने बोले आलम भाई मैं अभी नूरी लोग ने निकाले ने मैंने निकाली उस दिन चला गया कपड़ा वापस से अंदर, अब दोपहर में आ जाओ जोहर के बाद तो मैं देती हूँ। तो आज मुझे देना ही आलम भाई को कपड़ा, फिर वो फिर ईद की तैयार, ईद के कपड़े आ जाएंगे तो बेचारे नहीं सिल पाएंगे, तो अभी देखिए खलास करती हूँ ना। तो चलो अभी मिलती हूँ आप लोग से, अभी हम लोग जाते पवई इधर से आते फिल्टर से जाती थी ना, फिल्टर होते होते जाते ओके, तो ये आया पवई गार्डन। चलो मिलते हैं पास। कपड़े लेके ऐसा ना कि हम लोग कपड़े बेचते तो खालू नहीं आते, देखो खालू भी हमारे घर पे आता, अभी नूर ने खालू से कपड़े ली, अपने को ऐसा कुछ नहीं कि खालू बेच रहे हम लोग बेचे तो खालू नहीं आना चाहिए, खालू बेचेंगे अपने नसीब का, क्या बोलते खालू, हम लोग बेचेंगे अपने नसीब का, और खालू हर हफ्ता आते हर जुम्मेरात को आते, और कपड़े लोग कपड़े को जैसे कपड़ा बेचते तो कोई कॉटन के भी खालू के पास में है जैसे हम लोग लेके आते, तो ऐसा नहीं कि कपड़ा वो लाते तो हम लोग को ऐसा ऐसे जगह पे रख के हम लोग देखो काम नहीं करते, भाई कहता खालू हमारे घर पे आते कपड़े बेचने के लिए। अब नूरी ने भी ली, और खालू तुम कितने साल से आते अपने इधर? 30 साल तो हो ही ना, 30 साल हो गए ना फिल्टर पे आते आते। अरे हम लोग की शादियों का, हमारे भाई की शादियों का, सबकी शादियों का खालू से कपड़े लिए थे, जितने हमारे एरिया में जितनी भी शादी सब खालू से कपड़े लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग कपड़ा बेच रहे तो खालू क्यों बेच रहे। कौन दिया डाल देते हैं, और जिनका इंतकाल हुआ था बोली थी ना मैं, तो हमारी खाला का, तो ये खालू की वाइफ थे, अब तो खालू बेचारे संभले है तो बहुत टेंशन में थे, एक साथ बोलते नहीं जवानी का पूरा साथ का ये उम्र तक तो तकलीफ तो होती है ना, अल्लाह जा सबर दे ही देता, क्या बोलते खालू सबर कहाँ हो रहा है भाई, क्या कर सबर होता ही नहीं है ना, सफर के लिए साथ का रहेगा तो सफर कहाँ से रहेगा। आप लोगों को पता है अभी रमज़ान तो आ ही रहा है, तो मैं अभी आलम भाई को बुलाई हूँ, और आलम भाई बीच में भी मैं फ़ोन की तो आलम भाई गए थे कहाँ गुजरात राजस्थान गए थे उनकी फैमिली के साथ में, तो मेरा कांटेक्ट हो नहीं पाया, फिर थोड़ा दिन से मैं कपड़े आलम भाई को नहीं दी, कोट सेट आ रहे थे तो अभी कहाँ से करूँ करके, तो आलम भाई मेरे को मिले तो बोले आपा नाराज़ है क्या उस दिन रस्ते में, तो आलम भाई से कैसा मैं नाराज़ हो सकती हूँ, आलम भाई तो मेरे डिज़ाइनर है ना, तो मैं आलम भाई से कैसे नाराज़ हो सकती हूँ, तो मैंने आलम भाई को बुलाई अभी मेरे कपड़े देने के लिए, मैंने अभी फिलहाल रमज़ान से पहले इतने सीखे दो, फिर रमज़ान के टाइम मतलब जैसे रोज़े स्टार्ट होंगे तो मैं और देती हूँ करके, तो अभी मैं आलम भाई को 11 ड्रेस दी हूँ सिलने के लिए, तो अभी मैं बताती हूँ क्या क्या दी, और कुछ नया सिला रही मैं अभी, तो जब सिल के आएंगे तो जब आप लोग देखना कुछ नया, कोट सेट नहीं अभी कुछ नया मैं अपने लिए बना रही हूँ ओके, तो मैं आप लोग को बताना श्रग बोलते हैं ना इसको, हाँ तो हम श्रग बना रहे हैं, तो ये देख सकते हो, तो ये पैटर्न मैंने अपना दी आलम भाई को, जैसे आप लोग ने देखे थे मैं उस दिन पहनी थी तो बहुत लोग तारीफ़ कर रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था, और ये मेरी बहन नाजिया ने मुझे दुबई से लाई थी, तो मैं बताना भी भूल गई थी दिन घाई घाई में, ये मेरी बहन जो नागपुर वाली उसने मेरे लिए दुबई से लेके आए थे, और अभी देखो ये मेरे स्ट्रक के कपड़े में सब दे रही हूँ आलम भाई, मैं वहाँ से निकालती हूँ, जैसे लाइट बराबर आ नहीं रही है, ये उजाला बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ से, हाँ देखो यहाँ से बराबर देखो, तो ये आलम भाई सारे कपड़े लेके सारे, ये देखो इसका एक कलर, ये एक कलर 5 में श्रग दे रही बनाने, ये दो, ये शबाना जो मुझे कपड़े भेजती है, शबाना के कपड़े और इसके श्रग एक नंबर लगेंगे, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी जो आज भी पहनी मेरे ड्रेस ये भी शबाना का था, कल भी पहनी थी वो भी शबाना का ही था, तो इसके तो मैंने सब ड्रेस बना के पहन दी, मैंने बोली कुछ अभी ये नया कुछ बनाऊँगी तो आप लोग के भी समझ में आएगा, आप लोग भी शबाना को फटाफट ऑर्डर करेंगे, और आलम भाई जो पैटर्न बोलेंगे वैसा बना के देते हैं, तो बता दो या गूगल से निकाल के दिखा दो,
आलम भाई ये क्या हर एक डिज़ाइन अपना कर देते। और इसके साथ में मैंने कुछ पठानी भी दी बनाने के लिए, इसमें कलर है और भी मुझे पठानी के कलर चाहिए था। समीर बोले थे बहुत अच्छे अच्छे कलर लो, तो मुझे मिल नहीं रहे थे क्योंकि इतने थे कपड़े वाले। बोले भाई अभी आएंगे तो मैं तुमको ये करता हूँ, जो मैं अजमेर से दिन आयान की ली थी। तो ये मेरे पठानी भी जा रहे बनने के लिए, जैसे कि रमज़ान के लिए कुर्ते पैजामे जैसे। तो अभी कोट सेट भी थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा थोड़ा अलग अलग पहनना चाहिए ना, एक जैसा ही नहीं। जब हम मार्केट में कुछ नया लाएंगे तो कुछ नया आएगा बराबर। अभी कोट सेट की जैसा ये मेरा एक ड्रेस है पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा है, ये भी एक मैं बनाने को दे रही हूँ। और ना आलम भाई इसका बांधने का भी ना एक बहुत प्यारा है, वो दे दिया अभी। तुम अभी ये आएंगे तो वाले देखती हैं करती है। ये वाला भी बहुत प्यारा है मेहंदी कलर में कुछ, और ये वाइट तो पता है ना, वाइट और ब्लैक तो मेरी जान है। ये भी एक है, ये सब जा रहे आलम भाई पास। 11 ड्रेस मैंने अभी दी हूँ, और आलम भाई देखो इसको क्या बना के लाएंगे, अभी आप लोग देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, जब पहनूंगी और आ जाएंगे कपड़े तो आप लोग को दिखाऊंगी। और आलम भाई का एड्रेस और नंबर मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डालूंगी, तो आप लोग इनको फॉलो करो और इनका कॉन्टेक्ट नंबर लेके इनको कॉन्टेक्ट करके आइए। मरोल में हमारी आलम भाई का शॉप है, मरोल गाँव में ना, मरोल गाँव में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मरोल गाँव बोले तो फेमस है, तो आप लोग इधर आइएगा और आप लोग को आलम भाई से एक डिज़ाइन देखने को मिलेगी, गाउन से लेके ब्लाउज से लेके, मतलब हर एक लहंगा जो मैं लहंगे पहनी थी हल्दी में, जो भी मतलब मैं लहंगे वहंगे पहनती थी, आपने वाइट मेरा लहंगा देखे रहेंगे, ब्लैक देखे रहेंगे, जो भी मेरे लहंगे भी हम लोग जो पहनते हैं, अनाप पहनती है, पूरे आलम भाई हमारे जो भी है वो स्टिच करके देते हैं, सिला के देते हैं। तो हम लोग कोई रेडीमेड नहीं लेते, मैं हम लोग को आलम भाई सब कपड़ा वपड़ा सब बता देते। उल्टा मैं दुकान पे जाती कपड़े के, आलम भाई को बताती आलम भाई ये कितना लेने का, आलम भाई ये अच्छा लगेगा, आलम भाई ये ऐसा लगेगा, तो आलम भाई सब बताते हैं, हमको डिसीजन भी देते कि ये कपड़े भी ये अच्छा लगेगा करके। तो ये हमारे जैसे डिज़ाइनर ही पर है, हमको बुटिंग वुटिंग में जाने की जरूरत नहीं, हमारे बुटिंग मास्टर यही है इधर, समझे क्या। और बहुत अच्छे मेरे तो बहुत काफ़ी टाइम से ताल्लुकात हमारे हैं इनसे, आजकल का ताल्लुकात नहीं है बहुत, जब तो मैं टिकटॉक पर थी भी नहीं, टिकटॉक का नाम ले रही, पहला टिकटॉक ही था तो उस पर थी भी नहीं, जब से आलम भाई से हमारे ताल्लुकात थे नहीं आलम भाई करके, तो हम लोग पवई से कपड़े सिलवाने आते थे करके। और अल्लाह पाक आलम भाई को ऐसे ही बढ़ाए, और आलम भाई की माशाल्लाह बहुत बड़े ले, पूरे मरोल में बहुत सी जगह नाम है, अंधेरी से कहाँ कहाँ से लोग आते सिलने के लिए। अल्लाह पाक ऐसी इज्जत बनाए रखे और ऐसी इज्जत बनी रहे हमेशा। चलो करो ना अंदर की, तो ये देखो हमारा अभी ये कारवा कारवा हमारा पवई का कारवा है शब्बे बारात का, तो मोक शब्बे बारात के लिए जा रहे हैं हमारे पवई के रूम पे। ये भटियारे से भी खाना मंगाया था, उसका टोप भी देना था। तो ये सब सामान देखो ऐसा सब जा रहे हैं, हरबरा जलबरा खरबरा बरबरा बास्किट मेरी, तो पूरी डिक्की खुली है। और गाड़ी माशाल्लाह दो गाड़ी भर के सामान तो चला गया, ये गाड़ी हमारा टेम्पो का काम करती, मेरी टेम्पो का काम करती है ना यार। चलो और आंटी आते हम आंटी हमारे है, आंटी मेरे परेशान हो जाते, मैं कहाँ जाती ना आंटी को टेंशन हो जाता है। पहले आंटी का मेरा ले, पहले आंटी का ले। हाँ और अभी जा रही मैं, वो त्यौहार है ना, तो दो तीन दिन के जा रही पवई पवई आती हूँ, ध्यान दो करके तो आ जाएगा कितना 70। आंटी तो प्लांट्स को पानी देते ही है, 27 को आ जाएंगे हम लोग प्लांट्स को पानी। हाँ जाते तो देते ना, हाँ इसको 27 तक आ जाएंगे हम लोग। अभी का त्यौहार है ना, तो वाले घर पे बहुत दिन से नहीं मना है, 7 साल हो गया। अच्छा हाँ, वो दरगाह के रूम पे जाते थे, इधर भी मनाते थे, ये वाले रूम पे नहीं जाते थे, लेकिन ये साल अभी इधर मनाएंगे। ये आएंगे ना अभी ट्यूशन को, तो रोज ही आएगा ना। आज का स्कूल का लास्ट का पेपर, अभी बोर्ड का चालू हो जाएगा ना, ट्यूशन तो चालू रहेगा, कल से 3-2 बजे आ जाएगा ट्यूशन में। ये तो टीचर की रिक्वेस्ट की मैंने, तो मैंने ऐसा भी तो उसको गाड़ी से ड्राइवर छोड़ने आएगा लेने आएगा, बहुत अच्छी टीचर है घर की, अच्छा पढ़ाई करना। तो आप भी प्रे करो, हाँ क्या नानी, ये तो भाई नानी पहले प्रे करेगी। देख
रास्ता इतना तोड़ तोड़ के रखे ना, अब ये बैक साइड का रास्ता है जो सुबह भी हम लोग यहाँ से गए थे, जो बाजार लगता है, मतलब जो जहाँ से जाते थे वहां से भी नहीं जा रहे। अब ये बैक वाला है जो हमारे गेट के सामने का तोड़ चुके पूरा, बहुत छोटा रास्ता है। यहाँ से फॉर्चुनर निकालना बोले तो इतना मुश्किल है कि किधर से, देखिए हमारा स्त्री वाला जहाँ हमारी स्त्री होती है, तो ये इतना डेंजर रास्ता है कि कहाँ से भी गाड़ी बाइक लग सकती है, क्योंकि सब जगह बाइक ही लगी है। देखो रास्ते में सब सामान वामान लेते, इधर पूरा बेकरी एक्टिवा गाड़ी आती रहती है, बड़ी छोटी एक गाड़ी आए, एक बाइक ही आएगी तो रास्ता बंद हो जाता है। तो इतना रास्ते के लिए सताए लोग बोलते हैं मई में रास्ता चालू होगा, जब तक क्या होगा अल्लाह को मालूम। इधर बहुत परेशान हो गए, बाप रे बाप, एक तो गाड़ी सब अपने पास बड़ी बड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं कि कहाँ से भी घुसा दो, कहाँ से भी हो जाएगा। बेचारा समीर भी आने में इतना परेशान हो रहा है और हम लोग को इतनी परेशानी हो रही है, अल्लाह ये रास्ता कब बने। देखो आंटी लोग सब यहाँ से आ रही, क्योंकि कैथलिक लोग ज़्यादा रहते हैं ना इधर, तो ये तरफ पूरा कैथलिक लोग ज़्यादा रहते हैं। तो क्रॉस दिखेगा आपको इधर, ये बैक साइड है हमारी बिल्डिंग का, बैक साइड है। तो अभी हमको आज बैक साइड से जाना पड़ रहा है करके। तो सो अंकल आंटी, ये देखो पूरा बंगले बने हुए इधर है नूरी, अब जहाँ जाते हैं वहाँ के रास्ते बनने लग जाते हैं यार, क्या पता है ऐसा भी नीटी का इसका। हाँ अब फिर यहाँ से देखो तो पवो जाने लगे थे, घर का काम चालू था, बिल्डिंग का क्या पता। हम लोग जाते रास्ते पहले सही करने को जाती, गवर्नमेंट के सरकार मतलब चाहते मरियम शेख अच्छे रास्ते से चले, पहले बने रहेंगे है ना। नहीं बात, मेन रोड पे मेरी जो राशन की दुकान पे आती हूँ, इधर मेन रोड पे हम निकल गए, मतलब रास्ते तो हमारे पीछे से बहुत थे करके, तो बेचारे हंस रहे देख के, रास्ते तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, पर कहते गली थोड़ी छोटी पड़ जाती है तो तकलीफ हो जाती है, बाइक वाले भी बहुत घुसते हैं ना, तो कैसे फॉर्चुनर वो सब गाड़ी थोड़ी बाहर ही पड़ जाती है यार करके। सिर्फ छोटी ना रफ यूज के लिए गाड़ी लेना चाहिए है ना करके। नैनो लेने का अब तो नैनो से अच्छा रिक्शा लेते ना, बस अभी आज दिन में अपने को रिक्शा निकाल लेगा, सुल्तान की रिक्शा लेंगे ना दिन भर के लिए है ना, बस भाई सुल्तान आएगा तो फिर पटना चलाएगा, रिक्शा लाना ही छोड़ देगा, गैस भरा के अरे कैसे सुल्तान बोलती ये रास्ता टूट गया बाबा तू कसम से रिक्शा नहीं लेके आएगा वो। अब तुम लोग को याद दिला रहे जाने के बाद में, बोले सुल्तान बाबा रिक्शे की चाबी दे दे और गाड़ी निकालने बहुत भारी पड़ रहा है। अरे का है ये देखो सुल्तान, क्लिप बहुत हो रही है, तू मेरी रिक्शा दे दे हम लोग को दिन भर के लिए, अरे फिर शाम को तू ले लिया कर, हाँ 500 रुपया दे देते गैस भरा के हम लोग चले गए दिन भर, समझा। और गिरा ये गुलाम को गिरा पीछे से गिरेगा ना ये गुलाम, सोचो अरे गुलाम भाई पकड़ो मेरे, तुम भी जाएगा नंदा जी पास, पकड़ लो सुल्तान को। गाली आई बाप रे, आदाब कट करना चाहिए, सुल्तान को गाली थी ऐसी करता वो, ऐसी करता पीछे बहुत पलटता हो वो, नॉर्मल भी नहीं है ये पीछे पलट पलट के देखेगा, दानिश फाज चलाएगा, ये लोग ऐसी करते, ये लोग ऐसे में कभी भी मतलब बाइक पे नहीं, जिंदगी भर की बाइक पे नहीं बैठती। वो गुलाम अब भी बाप रे ये अल्लाह, नहीं सुल्तान कह रहा 500 रुपया मेरे को दे देना रिक्शे के। अच्छा और सब देखो, हम सब हमारे से कमाने की सोचते, हम लोग तो किसी से कमा ही नहीं सकते कुछ भी, बस मरियम शेख गमाने के लिए बैठी है। मरियम शेख हाँ बस मरियम शेख आगे बढ़ाती है, और मरियम शेख सबको आगे बढ़ाने के लिए लगता अल्लाह ने बनाया है। देखो भाई भी बोला वहां से 500 रुपया दे दे रिक्शा ले ले रहे, वो पुलिस वाली क्या नाम उनका,
अरे अरे सैदा पर कौन ये अपनी पावी में आती थी रुखसारा के पास में फरजाना पुलिस वाली यही रहती ना कैंप में दिखती हूँ बकरा गोश्त लेने आई है भाजी वाली के आती है यही तो रहती है। तो चलो फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पवई के रूम पे हमारे। तो अनाप तो सुबह से आके माशाल्लाह सफाई का हमारे घर में आप लोग को पता है ना सफाई कितनी लगती है। तो ये देख सकते हैं हमारे घर की सफाई क्योंकि अनाप सुबह से आई थी। तो आपको मैं पूरी पहले स्टार्ट से सफाई दिखा देती हूँ तो घर तो फिर गंदा हो जाएगा। ये हमारा कलेक्शन था आपको तो चलो अपने घर में बाद में दिखाती हूँ तो मुझे दिखाने का ही रहेगा। तो ये हमारा बेडरूम जैसा कि आपको पता है हमारा आशियाना छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो। तो मेरे कपड़े भी आ चुके था जैसे कि हमारा अभी ये पंखे को हो गया है 12 से 14 साल हो गया रिमोट वाला पंखा है। तो मतलब कितने लोग ऐसा चीज़ें दिखाते ना अभी ये लाइट वाला पंखा ना ये ना वो ये सब चीज़ें ज़माने से हमारे घर पे आई और यूज़ भी कर ली अल्लाह का इतना शुक्र और करम है। तो कुछ लोग अभी देख के बताते हैं ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है ऐसा कुछ नहीं है अल्लाह ने सब चीज़ से नवाजा है मेरे परवरदिगार ने। ये हमारा बेडरूम मस्त ना आपने देखो साफ जितना आराम से वाला होता इतने अच्छे तीनों भी क्या फुल सपोर्ट करते हैं मुझे इसलिए बोलते हैं मेरा खानदान बड़ा अच्छा है मेरे घर के इतने अच्छे मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अभी कल से तो सैदापा पूरी सफाई वफाई सब करेगी इंशाल्लाह कल से चमक देखना सैदापा के हाथों की। तो पहला सैदापा ये सब फर्नीचर वर्नीचर पूछती थी और अभी समीर भी आएगा थोड़े टाइम से जिम गए हैं और अभी नूरी लोग सब किचन में है। नूरी लोग फिर भी अभी भी नहीं गए देखो अभी इधर भी अटेंड कर रहे तो मेरे बच्चे भी ऐसे नूरी जैसे कि शमीन ये लोग मुझे छोड़ कर कोई जाता नहीं है यानी कि वो घर का काम किए तो भाग जाएगी तो कभी भी कर रहे बता दाना आप जाके किचन में लाइट कम करना यार इतनी लाइट मत कर रही मुझे ज़्यादा लाइट पसंद नहीं है तो बोर फिर भी जा रही लाइट तो फाइनली आज हम लोग बना रहे हैं हमारे पवई के घर पे अक्का मसूर और गोश्त बकरे का गोश्त और हमने स्टीम राइस बना रही हूँ। स्टीम राइस रख दी गैस के ऊपर और अभी मैं अक्का मसूर बना रही हूँ तो उसमें गैस चालू कर दी हूँ और ये गोश्त मैंने हल्दी डाल के और एक कांदा डाल के डाला था क्योंकि हम लोग को आने में थोड़ा लेट हो गया। तो फिर मैंने बोली नूरी को आज अपनी नहीं बना देंगे अक्का मसूर देखो हमने ऐसा उबाला है हाँ ये अक्का मसूर उबाला है और ये हरा मसाला पीसा है और एक कांदा कट करके रखा है और एक कांदा इसमें डाले एक कोथमीर है और जैसे कि मैं मसाला डालूँगी तो आप लोग को बताऊँगी। और ये मेरे काले बर्तन बहुत पुराने हुए तो बहुत पुराने काफ़ी टाइम के तो पूरे बर्तन अभी ख़राब हो गए तभी मेरा थोड़ा तौली का काम होने वाला है दो चार दिन में। तो तौली माशाल्लाह बहुत दिल हो गया था लगाए के लिए 12-15 साल हो गया था मैंने सब करे तो चौली का काम नहीं करती हूँ बाद में करूँगी टाइम नहीं था मुझे इतना तो चौली का काम हमारा है जरा शबे बरात के बाद में बर्तन चेंज करने वाले ब्लैक वाले क्योंकि जब ब्लैक बर्तन नए निकले थे मैंने जब ये बर्तन पूरे मतलब ली थी तो ये घर में भी आपको तो पता है वहाँ भी थे तो मैंने चेंज करी किधर फ्लैट के ऊपर में। तो मैं अभी तपेले अपने सब इधर मतलब जब नए बहुत निकले थे ये सब बड़े बड़े तपेले अपने सब लगे ये सब एकदम वाइट हो गए घस घस के अब कुछ तो नहीं भी हुए नहीं तो फिर अभी मैं सोच रही चेंज कर देने के लिए ये तो ज़्यादा यूज नहीं है बड़ा वाला ये सब मैं बर्तन चेंज करने वाली हूँ। तो अभी फिलहाल घूम दो अभी ये सब हो जाए 8-10 दिन के बाद उसके बाद ही चेंज होगा। तो अभी मैं इसके अंदर डालती हूँ कांदा और नूरी ने बहुत बड़ा तपेला निकालती जितना सब कुछ है उतना बड़ा तपेला कांदा मैं भी इसके लाल कर रही हूँ ना वीडियो से ज्यादा सामने रियल में देखो तो उनको समझ में आएगा। और खैरियत भाई क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा हमारे को याद आ रही थी ना तो हम लोग घूमते घूमते यहाँ हमारे यहाँ कोई केबल वाले ना वो जाने वाले ना
करने हैं तो उनको बुरखा चाहिए था। अच्छा 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 सायरा आप तो उनको देने आई थी तो अभी वो ट्राई कर रहे हैं। तुम देखो यहाँ पे हमारी लव कितनी अच्छी है। आज ये अपना भाई फिर बताओ दिल से दिल का हम लोग कनेक्शन है। खेल लगती है हमारी। हाँ बोले तो मुझे सायरा लोग जा रहे ना उम्रा करने के ये करके। और क्या तो फाइनली हमारा खाना वाना बना के मेरा तो हो गया था। फिर हिजा भी आई थी, हम थोड़े गप्पे मारते बैठ गए थे। हिजा भी कुछ काम से भी आई थी इधर, ऑर्डर था उसका तो उसलिए भी आई थी। तो फिर बेचारी बैठी थी, फिर हम लोग बैठ के बातें बातें किए। अभी खाना हुआ तो समीर ने, अनाफ ने और अयान ने खा लिए, सिर्फ मैं अकेली बाकी तो मैं भी खाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई बहन ने बोला मुझे क्या, बेटी ने बोली कि आंटी आप हुक्का मत पिया करो, कल भी बोला आज भी बोला। तो बेटा मैं आपकी बात पे ज़रूर ध्यान करने की कोशिश करूंगी और मैं अपने आप पे केयरफुल रहूंगी। बहुत बहुत थैंक यू बेटा, आपने इतने प्यार से मेरा ध्यान रख के बोला कि आंटी आप हुक्का कम पिया करो, तो मैं ये बात का ध्यान रखूंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो मेरा अपना है मुझे इस चीज़ के लिए मना किया। लव यू बेटा। और कुछ लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट किए, अच्छे भी आए बुरे भी आए। कुछ हमारे अभी जो आजकल के जो झगड़े वगड़े कुछ भी चल रहे थे उसके भी आए। कुछ जो चीज़ के नाम नहीं लेते हम लोग अभी, वो चीज़ को गंदगी का भी नाम नहीं लेते, वो गंदगी के भी नाम आ गए इसके अंदर, तो मैं उस बात का भी जवाब दूंगी। अच्छे बुरे सब मैसेज आए थे तो मुझे जवाब देना ही था, जैसा मैंने अगली बार से जवाब दी थी। आप लोगों ने अच्छे मैसेज किए तो उसकी भी मैंने जवाब दी थी, और जो बुरे मैसेज आए थे मैंने उसकी भी जवाब दी थी। तो मुझे इतना मैं जल्दी जल्दी खाना बना के मैं बोली चलो मैं जवाब देती हूँ। इतने में हिजा भी आ गए तो फिर मैं बात करते बैठ गए तो काफ़ी टाइम हो गया। फिलहाल अभी भी बज रहा है एक शायद, है ना सुनो। हाँ एक बज के ना डेढ़ बज रहा है, डेढ़ बज रहा है तो टाइम हो गया। तो फिर मेरा इतना टाइम नहीं, मैं थोड़ी सी बात में बात खलास करूँगी। और इंशाल्लाह ताला ये जो आप लोग ये कमेंट के वीडियो ना आप लोग के, तो मैं कल बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला फिर, क्योंकि दो दिन के बाद मुझे टाइम नहीं। कल भी ऐसे भी जुम्मा भी है, अभी काम भी है कल भी, तो कोशिश करूँगी कल बनाने की। अगर कल नहीं बनाई तो फिर परसों भी नहीं बना पाऊँगी। और संडे को भी नहीं, संडे को शबे बराते और सैटरडे के दिन मेरे इधर कुरान खानी ये सब मैंने रखी हूँ। तो दो तीन दिन तो मैं ये फालतू झमेले में पढ़ने वाली नहीं हूँ, इतना बड़ा दिन है अल्लाह रसूल का तो मैं इसमें रहूँगी। तो मुझे ये सब फालतू चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना है उस वक्त, तो मैं उसमें वो दो तीन दिन वीडियो बिल्कुल नहीं बनेगी। हाँ तो किसी ने क्या बोला था, क्या उस वक्त जब यो फलानी जो है मलाड़ वाली वो क्या बोलते, कोई क्या बोलता है अब इसका कौन से नाम से क्या फेमस है मुझे इतना नहीं आइडिया है, मगर फिर वो मेरा नाम दे दूँगी मैं तो फिर वापस से वही बात हो जाएगी ना सुनो। तो क्या नाम बोलूँ फिर, मलाड़ वाली अच्छा वो मलाड़ वाली जो पठान वाली मलाड़ वाली क्या बोलते कब्रस्तान के पास रहती है, तो उसके बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि उसके पीछे तुम पढ़े तो तुमको बदुआ लगी, और तुम लोग चार चार लोग पढ़े थे। तो देखो भाई ऐसी कोई बात नहीं, चार लोग पांच लोग, मरियम शेख में इतना दम है ना, तो मरियम शेख सबके पीछे अकेली पढ़ती है। आप लोग ने फर्स्ट टाइम देखा ना टिकटॉक के टाइम पे, उस टाइम किसी ने नहीं बोला था मरियम शेख जब बोल रही थी ना, तो उस टाइम कोई बीच में नहीं आया था, मरियम शेख अकेली है ना उसको पूरी पढ़ रही थी। जो उस टाइम नाम लेने से मेरे को डरती नहीं हूँ, तो मैं कोई चार के बीच में, पाँच के बीच में, दस के बीच में मैं आती नहीं हूँ, मेरे को लड़ना रहता ना मैं अकेली आती हूँ। मैंने कभी किसी को बीच में ला के या बीच में बोल के कि मेरे से ये लड़ रहा तुम बोलो, मेरे से वो लड़ रहा तुम बोलो, वो मेरी आदत नहीं, बाकी सब करते, मैंने वो आदत नहीं की। और तुम लोग बोल रहे थे हाँ अभी वो आ रही थी घर में खाना खिला रहे थे, वो चेंबूर वाली आ रही थी तो तुम खाना खिला रहे थे, घुसा रहे थे। तो देखो मेरे घर तक कोई आएगा तो मैं भगाऊंगी नहीं, ओके। वो मेरे घर तक आ रही थी भाई, मैं खाना खिला रही थी, कुछ वो मुश्किल में फंसी थी तो भाई हम उसको बता रहे थे भाई ऐसे ऐसा करो, कुछ परेशानी में फंसी थी, तो जो हमारे घर पे आएगा मुश्किल में रहेगा तो हम तो उसके आगे मुश्किल में जो रहेगा तो उसकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही बताएंगे ना उसको, तो वो बात से होती। और इस सना के ऊपर से भी आप लोग ने बात की है, अभी सना कहाँ चले गई, अभी कहाँ सो गई, नहीं तो सना तो ऐसी बहुत बीच बीच में बोलते रहती है, तुम तो सना के इसमें हर इसमें रहते हैं तो सना क्यों नहीं बोल रही। तो देखो मैंने सना के कांधे पे बंदूक रख के झगड़े नहीं ली किसी से, मेरे अंदर ताकत है लड़ने की,
तो कि सना आएगी तो मेरा सॉल होएगा, कि इमरान आएगा तो मेरा सॉल होएगा, तो मैं वो किस्म की लेडी नहीं हूँ। मैं झगड़ा करती हूँ ना अपने बल पे करती हूँ, मुझे दूसरों के कांधे पे बंदूक रख के चलाने की आदत नहीं है, हमेशा से आपने देखा है। तो आप लोग ना ये सब वर्गर वर्गर सवाल मत करो, वो फलानी को तुम ऐसा करते थे चार चार मिलके, अगर चार चार मिलके अगर मैं अकेली अपने रोल में आ जाती ना तो खुद ही नहीं रहती थी, वो चार और तीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतना सोच लो अगर मैं अपने रोल में आ जाती तो, समझे क्या। और वो बिचारी कुछ बिचारी नहीं थी, वो भी बहुत बड़ी अंदर की थी, समझे क्या, उसको बिठा दिया हम लोग ने, नहीं तो इतना उछलती थी, इतना उछलती थी कि पूछो मत। तो उसको क्या करे, उसको अच्छे से एकदम ऐसा करके बिठा दिए, तो अब वो बैठी है चैन से, है ना। तो इसीलिए अब वो बिचारी बिचारी बुचारी बुचारी अब करते बैठो तुम लोग ही। और अभी ये जो भरे गए अभी ये साइड की बात है ना, खलास हुई मलाड़ी की बात, चालू हुई चेंबूर के साइड की बात। तो इधर भी किसी से मेरा कोई इतना रिश्तेदारी इतना याराना किससे नहीं, मैंने कभी किसी से इतना याराना करी नहीं। मेरे घर पे कोई आएगा वेलकम, नहीं आएगा जो नहीं आएगा भीड़ कम, ओके। मैं किसी के घर पे फरज गरज से जाऊं, अरे बहन मैं आ गई रिश्तेदारी निभाने, अरे भाई मैं आ गई रिश्तेदारी निभाने, अरे तेरा बर्थडे में आ गई, अरे मेरा बच्चा तूने क्यों, ये सब करने में नहीं पहुंचती हूँ जल्दी। बहुत खास बहुत खास बहुत खास मेरे दिल के खास इंदम रहेगा तो मैं उसके वहीं पहुंचती हूँ, और जो मेरे दिल में भाग गया मैं उनके यहीं पहुंचती हूँ, और मेरे दिल के करीब रहेगा, और जो कोई गरीब रहेगा मैं उसके यहाँ ज़्यादा पहुँचती हूँ। अमीरों को तो मैं ज़रा भी भाव नहीं देती, कहाँ तक दूर तक भी ना मेरे लगते नहीं है। अमीरों के इसमें नहीं जाते तो क्या बोलते हैं, वो जलती है इसके लिए आती नहीं है, उसको गिफ्ट देना पड़ेगा इसके लिए नहीं आती। जाके लोगों से पूछो कि मरियम शेख गई ना कभी तो किसके यहाँ खाली हाथ नहीं गई है, अगर किसी ने एक रुपया दिया ना तो माशाल्लाह मैं 10 रुपया देने की कैपेसिटी रखती हूँ, कभी किसी का खा के नहीं आती हूँ। और ज़्यादा करके तो मैं किसी की पार्टियों का जल्दी खाना नहीं खाती हूँ, ना शादियों का खाती हूँ, मैं अपने घर पे आती हूँ अपना खाना खाती हूँ। मुझे आदत भी नहीं कि अपने घर की पूरी फैमिली को लेके जाओ जमा करके खा के एक लिफाफा दो पूरे घर को खिला के लाओ, आदत मेरी नहीं है। एक को बुलाओ और चार जान जाओ, वो काम मेरा नहीं है। हाँ मैं अकेली पहुँच गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सबसे बड़ी बात। तो ये सब बात करना छोड़ो कि इमरान किधर है सना किधर है, वो बेचारे अपना बिजनेस कर रहे अपना काम धंधा कर रहे, और बहुत अच्छी बात है लोग बीच में नहीं आ रहे, फिर बीच में आएंगे तो बोलेंगे आगे चम्मच लोग चम्मचगिरी करने फेम पाने आ गए, वो करने आ गए ये करने आ गए। तो अल्लाह का इतना करम है मेरे रब्बिल आलमीन मेरे परवरदिगार का इतना बड़ा एहसान है मेरे मालिक का कि अल्लाह मेरे अंदर इसी ताकत रखे, और मेरे को सिर्फ मेरे आदमी का सपोर्ट चाहिए। ये जो सामने बैठा है ना समीर, उसका सपोर्ट चाहिए, मुझे दुनिया का सपोर्ट नहीं चाहिए। ये मेरे कांधे पे हाथ रख दिया ना तो मैं सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए और मेरे अल्लाह का चाहिए। तो ये दो है ना साथ में, तो ये पूरी दुनिया को तो मैं ऐसा ही कर लूँगी, ऐसा ही, समझते हो ना, ऐसा ही, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे से ज़्यादा प्रवचन कोई भी मत झाड़ो, और मेरे फैन फॉलोअर है अगर आप लोग को अच्छा लगता है देखो तो मेरा वीडियो देखो, नहीं अच्छी लगती मरियम शेख तो मत देखो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आप लोग के ऊपर कि मैं आप लोग को बोलूँगी नहीं आप मेरा वीडियो देखो देखना ही पड़ेगा, मैं झूठी झूठी आप लोग के सामने ला ला के बातें रखूँ झूठी झूठी एक्टिंगें करूँ झूठा झूठा सब दिखाते जाओ। और मैं कभी आज तक तुम देखे ना रोके नहीं दिखा सकती, मैं आए दिन आके मैं रो रूँ, मैं मेरे घर का कुछ तमाशा बताऊँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरा आदमी क्या तमाशा दिखा रहा है, मेरी बेटी का क्या तमाशा, मेरे बेटे का, क्योंकि अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। मस्जिद के सामने घर है मगर हमारे घर में अल्लाह का शुक्र मेरे रब्बिल आलमीन का एहसान है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, रोज़ का रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे, उठो सुबह उठो बच्चा स्कूल जाएगा आदमी का ऑफिस जाएगा, हम लोग उठेंगे अपने घर के साफ सफाई काम धंधा दोपहर का खाना टिफिन शाम की तैयारी ये करते हैं, सुबह उठ के नाचने को जाने का इधर निकलने का है उधर निकलने का हो तैयार होने का है, ये सब काम हमारा नहीं, हम लोग बहुत घरेलू लोग हैं, घरेलू के साथ जीते थोड़ा ये लाइन में पड़ गए सोशल मीडिया में तो थोड़ा बहुत आ जाते और अब इसलिए ज़्यादा आते थोड़ा अपना बिजनेस हो गया तो मजबूरी से ज़्यादा आते, और कोई हमारे को पूरा इसके ऊपर ही हमारा दारो मदार नहीं चलता है, ओके। तो जिसको देखो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं आप लोग के ऊपर, और जो जो ने आप लोग ने मैसेज किया अच्छा भी किए बहुत लोग ने बहुत अच्छा किए,
मैं उनको भी जवाब दूंगी और जो हमने खराब किया उनको भी एकदम खुल के जवाब दूंगी। तो अभी मेरे पास एक दो दिन टाइम नहीं है, थोड़ा मैं बिजी हूँ, कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है और परसों मेरे यहाँ कुरान खानी है और उसके बाद में आप लोगों को तो पता है ईदो मिलाते तो दो दिन रोज़ा भी सॉरी तो बड़ी रात शबे बराते तो दो दिन रोज़ा भी रहेगा तो उसमें तो नहीं मैं कुछ बोल सकती हूँ, इतनी बदतमीज़ तो नहीं हूँ। और फिर रमज़ान में तो पता है ना बख्श देती मैं सबको, जैसे अल्लाह पाक कैसा शैतानों को एक महीना बांध के रख देता है तो मैं जो मेरे पीछे शैतान पड़ते ना उनको मैं एक महीना बांध देती, फिर रमज़ान के बाद ही खुलती हूँ। तो इसके लिए जिसको पसंद आए वो लाइक करो, जिसको नहीं पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मगर लाइक ज़रूर करो। ओके, लव यू और फैमिली, लव यू। और लोग क्या बोलते हैं, क्या हमारे क्या एक मिनट